नमस्ते दोस्तों, निशा किचन में आपका स्वागत है। निशा के किचन में आसान सी रेसिपी। अब जो हमने आधा केजी करेले ले लिए हैं, इसे हमने दो तीन पानी से धुल लिया है। अब इसका ऊपर का जो पार्ट है, जो मोटा मोटा, इसे हटा देंगे। दोस्तों इसे बनाना बहुत आसान है दोस्तों, ये सबको पसंद आएंगे। इस तरीका से हम बनाएंगे, जो नहीं खाते वो भी खाएंगे खूब मन से करेले। अब इसे ये ऊपर का पार्ट है, इसका ये हटा देंगे, चाकू की सहायता से बिल्कुल सब छील देंगे। हाँ, इधर हमने करेले जी काट लिए हैं, जो पके हुए थे वो इसके हटा दिए हैं बिल्कुल इस तरीका से। अब इसमें हम एक लंबा, इसे हमने काटा नहीं है, इसे हम जब तलेंगे तब इसे देख के उठा उठा कर इसे तल देंगे बिल्कुल इस तरीका से। इसका कट इसमें लगा देंगे, जो पके बीज हैं वो इस तरीका से निकाल लेंगे। इसके हम बीज, जो पके बीज हैं वो सब निकाल लेंगे इस तरीका से। हमने खाली कर लिया है, इसको भी ऐसे कट लगा देंगे। और जो ऊपर का हमने छिलका था बिल्कुल ये हटा दिया है। इसे आप डालना चाहो तो उसमें डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो इसे हटा सकते हो। इसे अगल से भी प्याज व्याज डाल के इसे बना सकते हो भुजिया, इसकी बहुत बढ़िया लगती है। अब इसका इसका भी बीज पका है, इसे भी निकाल देंगे बिल्कुल इस तरीका से आसान से। इसके हमने बीज निकाल दिए पके। अब इसमें हम नमक लगाएंगे, नमक ले लिया इसका हम, इसमें बिल्कुल इस तरीका से नमक लगाएंगे। नमक में बिल्कुल इस तरीका से लगा देंगे, सारों सारे करेलों में नमक इसके लगा देंगे। भरवा करेला बनाएंगे, भरवा करेला बनाना बहुत आसान है दोस्तों। इस तरीका से हम सारे करेलों में नमक लगा देंगे। नमक लगा के 5 मिनट के लिए रख देंगे इसमें। 5 मिनट के बाद देखेंगे जो अपना करेले हैं, जो पानी अपना कड़वापन पानी है वो छोड़ेंगे, उससे कड़वापन है निकल जाता है काफी सारा। इस तरीका से सारे करेलों में लगा लेंगे। सारे करेलों में हमने नमक लगा दिया है बिल्कुल। अब ये अपना पानी छोड़ने लगे हैं, अब इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। इधर हमने करीब 10-12 प्याज हैं, वो हमने काट लिया, काट के धुल लिए हैं। और ये करीब हैं 20-25 लहसुन की कलियां होगी, इसे भी हमने इसे छील लिया, छील के धुल लिया है। अब इसे छोटा छोटा काटेंगे चाकू की सहायता से। प्याज का हम भरवा करेले बनाएंगे, इसे बनाना दोस्तों बहुत आसान है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसे प्याज को छोटा छोटा काटेंगे। प्याज हमने प्याज और लहसुन इसे काट लिया है छोटा छोटा बिल्कुल इस तरीका से, इसे हमने काट लिया है। अब इधर हमारे जो करेले हमने रखे थे नमक लगाकर बिल्कुल पानी छोड़ दिया है, देखो इधर इसका पानी बिल्कुल इस तरीका से निकल रहा है, इसका कड़वा पानी। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में पानी गर्म होने रख दिया है। पानी गर्म हो जाएगा, इसी में 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, जिसे नमक डालेंगे तो इसे कड़वापन है वो निकल जाता है, बिल्कुल कड़वे नहीं। अब इसे करेले को नचोड़ नचोड़ के गर्म पानी में डालते जाएंगे इस तरीका से नचोड़ नचोड़ के गर्म पानी में डालते जाएंगे इस तरीका से नचोड़ में। इस तरीका से करेला बनाए बिल्कुल कतई बिल्कुल कड़वे नहीं लगते, खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसे सारे नचोड़ देंगे, सारे नचोड़ नचोड़ के इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। इसका पानी कड़वापन इतना, इसका पानी करेले का निकला है। इधर हमने करेले रख दिया बिल्कुल 2 मिनट के लिए, इसे कुक करेंगे, नहीं ज़्यादा नहीं उबालेंगे। जब ज़्यादा कुक कर देंगे तो जो गल जाएंगे, ढकेंगे नहीं बिल्कुल, इसे इसी तरीका से इसे उबालेंगे कलछी से बिल्कुल उलट पुलट इसे कर देंगे बिल्कुल कच्ची की सहायता से। बिल्कुल 2 मिनट के लिए इसे उबालेंगे। दो
2 मिनट हो गए हैं, उसकी गैस कर देंगे बंद बिल्कुल। इसमें थोड़ी देर के लिए इसे पड़े रहने देंगे बिल्कुल। इस तरीके से करेला बनाएं, बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों, इस खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। करेला जो भी नहीं खाता वो भी खाने लगेगा। इसे बिल्कुल छोड़ देंगे बिल्कुल गर्म पानी में, अब से बाद में निकालेंगे, ठंडा हो जाएगा पानी। सारे करेले बिल्कुल निकाल लेंगे एक एक करके, गर्म पानी में हमने डाल दिए, इनका पानी भी ठंडा हो गया, इसे निकाल लेंगे सारे करेले। इस तरीके से सारे करेले निकाल लेंगे। सारे करेले हम इस पानी में डाल डाल के धुल लेंगे और बिल्कुल नचोड़ नचोड़ के रख लेंगे। 2-3 पानी से बिल्कुल हम धुल लेंगे इस तरीके से। इसका नमक वाला पानी है वो भी निकल जाए और कड़वा पानी है वो भी निकल जाए, बिल्कुल इस तरीके से हम धुल लेंगे सारे करेले। 2-3 पानी से धुल लेंगे। इसे धुल लेंगे 2-3 पानी से धुल लेंगे सारे करेले। इधर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और करेलों को हमने 2-3 पानी से धुल लिया है। अब तेल हमने सरसों का डाला है, सरसों के तेल में बनाए तो बहुत अच्छे बनते हैं, तेल हमारा गर्म हो गया। इसमें जो करेले हैं वो एक एक करके हम बिल्कुल तल देंगे, तेल हमारा गर्म हो गया। इस तरीके से सारे करेले जो 2 बेस में उसे हम भूनेंगे इस तरीके से। सुनहरा कलर आने तक इसे भून लेंगे और इसे पलट देंगे आराम से। इसे भी पलट लेंगे। इस तरीके से करेला पलट लेंगे सुनहरा कलर आने तक इसे भून लेंगे। करेले हमारे सुनहरे हो गए हैं बिल्कुल, इसका कलर बिल्कुल सुनहरा हो गया है, तल गए हैं। अब इसे निकाल लेंगे एक बिल्कुल, इसे निकाल लेंगे तेल। सारे करेले हम निकाल लेंगे बिल्कुल निचोड़ के। अब इसे हम दूसरा बेच है इसमें डाल देंगे बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के आराम से। इसे भी तल लेंगे सुनहरा कलर आने तक। हमारा दूसरा बेस भी हमें इस तरीके से तल लेंगे, फिर निचोड़ के बिल्कुल निकाल लेंगे। संभाल के निकाल रहे नहीं हमारे तरह करेले गिर जाए, हिसाब से निकालना पड़ता है। इस तरीके से सारे करेले तलेंगे। तेल गर्म है, अब इसी में जो हम 4-5 हरी मिर्च है ये डाल देंगे। इसे हमने भून लिया है और उसमें कट लगा दिया है।
इसी में करेले में डालेंगे। इसमें हमने सारा तेल निकाल दिया है, थोड़ा ही तेल डाला है, तेल हम बाद में भी डालेंगे। थोड़ा जीरा डाल दिया है, जीरा हमारा चटक गया है। ये प्याज है हमने काट के रखा, इसे भी डाल देंगे सारा प्याज। इसमें ये हम प्याज डाल दिया है, इसमें अब सूखे मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया, हल्दी और धनिया डाल दिया है, और मिर्ची पाउडर और नमक इसमें थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि नमक हमने करेलों में ही पहले डाला था। नमक यहाँ पे थोड़ा ही डालेंगे, नमक इसमें थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था करेलों में। अब इसे मिला देंगे। अब इसमें पानी उन्हें नहीं डालेंगे, सब्जी इतना पानी दे छोड़ेगी। करेले इसी तरह कुक करके, थोड़ी प्याज इसी तरह इसे पका देंगे ढक के। इसमें हम जो खटाई की कली है, अमचूर पाउडर की ये खटाई है, इसमें डाल देंगे। ये कली है अमिया की, अब इसे मिला देंगे। इसी में डाल सकते हैं, आपके पास अमचूर पाउडर हो तो अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। हमारे पास जो खटाई की कली है अमचूर पाउडर की, इसी में मिला दिया है। इसे ढक के पकाएंगे। प्लेट हटा के देखेंगे अपना प्याज कुक हुआ है कि नहीं। प्याज हमारा कुक हो गया है बिल्कुल। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। करेले हमने प्याज हमने निकाल लिया है। आप चाहो तो प्याज पीस के भी भून के इसे इसमें भर सकते हो। हमने इसमें काट के भरा है, अब इसे बिल्कुल रख लेंगे, इसे भरेंगे बिल्कुल। इसको पीस से बिल्कुल इस तरीका से भर लेंगे। इसको भर लेंगे इस तरीका से भर लेंगे, दाब दाब के इसे रखते जाएंगे, रखते जाएंगे। इसे भर भर के रखते जाएंगे। इसे सारे करेले ऐसे भर लेंगे। इस तरीका से हम कढ़ाई में चढ़ा दिया, कढ़ाई में तेल सरसों का डाल दिया, तेल रखना गर्म हो गया। इधर जो हमने करेले भर के रखे थे इसी में रखते जाएंगे आराम से, बिल्कुल इस तरीका से। सारे करेले इसमें रख दिए हैं। जो हमारा जो प्याज होता है जो मसाला, इसी को हम इसी में डाल देंगे। जहाँ तेल था हमने निकाल लिया, इसी में इसको डाल देंगे। अब इसको बिल्कुल धीमी आंच पे इसे कुक करेंगे। कट काटे देखेंगे, इसे हम पलट देंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। अब इसे पलट देंगे बिल्कुल इस तरीका से, इस तरीका से इसे पलट देंगे फिर आराम से। इसे ढक देंगे, प्लेट हटा के देखेंगे दोस्तों। करेले अपने कैसे हैं देखो दोस्तों, करेले भी रेडी हैं बिल्कुल। इस तरीका से करेला बनाना बहुत आसान है।
दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चाहे पूरी के साथ खा सकते हैं, तो पराठे के साथ, या रोटी के साथ, या किसी के साथ ये खा सकते हैं, तो सभी के साथ अच्छे लगते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छे 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे धीमी आँच पे। करेले बनके अपने रेडी हैं दोस्तों। अब इसकी गैस रख देंगे बंद। अब इसे सर्व करेंगे। देखो दोस्त, अब दोस्तों करेले बनके हमारे रेडी हैं। दोस्तों इसमें कलर भी देखो कितना अच्छा आया है। दोस्तों ये करेले इस रोटी के साथ खा सकते हैं, चाहे पूरी, चाहे पराठे के साथ, सभी के साथ अच्छे लगते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। करेले की रेसिपी, करेले की